नमस्कार वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर प्लेसेस विच वेयर इन द न्यूज रिसेंटली आज की हमारी पहली न्यूज है पोर्ट ऑफ ओडेसा अब ये क्यों न्यूज में था क्योंकि ए शिप कैरिंग ग्रेन द पोर्ट ऑफ ओडेसा अंडर अ डील फैसिलिटेटेड बाय यूनाइटेड नेशन एंड टर्की ठीक है अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट वेसल टू हैव लेफ्ट यूक्रेन पोर्ट सिंस रशियन इन राइट अगर हम पोर्ट ऑफ ओडिशा के बारे में बात करें तो इट इज अ सी पोर्ट इन द साउथ वेस्टर्न यूक्रेन एंड इट इज द लार्जेस्ट यूक्रेनियन सी पोर्ट ठीक है इट इज नेम्ड आफ्टर एन एशियंट ग्रीक कॉलोनी ऑफ ओडिसोस ठीक इट स्टैंड ऑन द शेलो इंडेंटेशन ऑफ ब्लैक सी कोस्ट एंड नॉर्थ ऑफ निस्टर रिवर एंड साउथ ऑफ कीव ठीक अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सेटलमेंट एग्जिस्टेड ऑन द साइड सिंस एनिशियंट टाइम्स इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर ठीक ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी ओडिशा ग्रोथ वॉज रैपिड एंड इट बिकेम रशिया मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट आफ्टर सेंट पीटर्सबर्ग एंड ग्रेन वॉज इिंसिपल एक्सपोर्ट बट उड़ीसा सफर्ड हैवी डेमेज इन वर्ल्ड वॉर टू ड्यूरिंग इट्स प्रोलांग एंड अनसक्सेसफुल डिफेंस अगेंस्ट जर्मन एंड रोमानियन फोर्सेज ठीक है तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया अभी इसमें कुछ चीजें मेंशन की गई थी जैसे भी इसमें जिक्र हुआ था अभी इट इज लोकेटेड अराउंड द सिटी ऑफ उड़ीसा ठीक है इट इज इन यूरोपीन मोलडोवा हम ब्लैक सी के बारे में बात करें तो इट इज लार्ज इनलैंड सिचुएटेड एट द साउथ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप एंड कनेक्टेड टू द डिस्टेंट वॉटर्स ऑफ द अटलांटिक ओशन इट इज बॉर्डर्ड बाई यूक्रेन टू द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है इसके रशिया ईस्ट में इसके है जॉर्जिया साउथ में इसके है टर्की एंड वेस्ट में इसके हैं रोमानिया एंड बलगेरिया ठीक अब चलते हैं हम भूटान की तरफ अब ये क्यों न्यूज में था भूटान क्योंकि न्यू सैटेलाइट इमेजेस रिसेंटली एमर्ज शोइंग चाइना कंस्ट्रक्टिंग अ विलेज ईस्ट ऑफ डोकलाम प्लेटू ऑन द भूटानी साइड अब डोकलाम प्लेटू क्या है इट इज अ रीजन दैट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ठीक अगर हम अब भूटान की बात करें तो इट इज अ स्मॉल माउंटेनियस लैंड लॉक कंट्री इन साउथ एशिया इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालय बॉर्डर्ड बाय चाइना एंड इंडिया ठीक है विद अबाउट सेवेंटी वन परसेंट ऑफ इट्स लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर ठीक इट इज लोकेटेड बिटवीन द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना टू द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम वेस्ट बंगाल एंड आसाम टू द वेस्ट एंड साउथ इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू द ईस्ट नेपाल एंड बांग्लादेश जो है ये लोकेटेड नियर भूटान है ये भूटान के पास जरूर है बट दे डोंट शेयर लैंड बॉर्डर ठीक है हिस्ट्री और हम अब जैसा कि हम देखे थे कि भूटान इज लोकेटेड इन ईस्टर्न हिमालयास तो लेट्स लुक एट समेरिटोरियल डिस्प्यूट इन हिमालयास कौन से डिस्प्यूट हैं

Uh, but after new Union of India gained independence from the United Kingdom on 15 August 1947, Bhutan became one of the first countries to recognize India's independence. Bhutan's political system has recently changed from an absolute monarchy to constitutional monarchy. the geographical features of Bhutan ki baat karein, it is characterized by steep mountains and deep valleys, which led to scattered population settlement patterns. Bhutan's mountainous territory is dissected by numerous rivers. अगर हम रिवर्स की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट कौन सी है टॉसा रायडक संकोश एंड मानस ठीक ऑल रिवर्स फ्लो साउथवर्ड फ्रॉम द ग्रेट हिमालय एंड ज्वाइन ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया माउंटेन और पीक्स की बात करें तो माउंटेन पीक्स इन द नॉर्थ आर ओवर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फीट अब सी लेवल एंड हाईस्ट पॉइंट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट फोर्टी फिट टॉल कौन सा है वो

केनिया की तरफ अब केनिया क्यों न्यूज में था क्योंकि ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि पोल्स टू सिलेक्ट सक्सेसर टू प्रेसिडेंट उन याटा ठीक है अगर अब हम केनिया की बात करें तो इट इज अ कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका for फॉर scenic सीनिक लैंडस्केप vast wildlife preserves its Indian Ocean coast provided historically important ports by which goods from Arabian and Asian traders have entered the continent for many centuries its capital is नायरो ठीक अगर हम बॉर्डर एरियाज की बात करें तो इट इज़ बॉर्डर बाय यूथोपिया इन द नॉर्थ सोमालिया इन द ईस्ट साउथ ईस्ट में इसके इंडियन ओशन है तंजानिया इसके साउथ में है युगांडा इसके वेस्ट में है और नॉर्थ वेस्ट में है इसके साउथ सूडान राइट

इलेवन ठीक चलबी डेजर्ट है ये एक स्मॉल डेजर्ट है नियर द साउदर्न ऑफ साउदोपिया बिटवीन किसके बीच बीच में है ये माउंट मर्सबिट एंड लेक तुर्काना के बीच में है ये ठीक अब अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें केन्या में कौन सी हाईएस्ट पीक है तो इट इज माउंट केन्या ये हाईएस्ट पीक है केन्या की एंड सेकंड हाईएस्ट पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाइएस्ट पीक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है राइट right, माउंट जो एलगन है इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन केनिया एंड युगांडा ठीक एंड नाइल रिवर विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर पासेज थ्रू केनिया ठीक है अगर हम अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात करें केनिया की रिगार्डिंग तो केनिया हैज मेड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गेंस ओवर द पास डिगेट ठीक है एंड इट्स की डेवलपमेंट चैलेंस स्टिल इंक्लूड कौन सेवर्टी इन इक्वालिटी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूड वीक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंडरेबिलिटी ऑफ इकॉमी टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल शॉक्स एंड देर फो वर्ल्ड बैंक वर्क इन के सपोर्ट्स द गवर्मेंट विजन इन ट्वेंटी थर्टी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी विच एम्स टू एसिलिरेट सबल ग्रोथ रिड्यूस इन इक्वालिटी मैनेज रिसोर्स स्कॉटी राइट अब हम चलेंगे चबहारोर्ट की ओर ये क्यों न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली इंडिया अफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स अनलॉकिंग द ट्रेड पोटेंशियल विद सेंट्रल एशियन रीजन थ्रू द यूज ऑफ जबाहर पोर्ट इन ईरान इंडिया एम्स टू मेक जवाहर पोर्ट एज अ हब अंडर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टू रीच आउट द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्रीज ठीक है अगर हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करें तो लीगल फ्रेम फॉर आई एंड एस टी सी इज प्रोवाइडेड बाई ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइंड बाई इंडिया ईरान रशिया एट द यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट इन 2000 ठीक अगर हम अब चाबाहार पोर्ट के बारे में बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ईरान इन गल्फ ऑफ ओमन इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पोर्ट्स नेम्ड शाहिद कलंतरी एंड शाहिद बेहस्ती इट इज ऑल अबाउट ओनली 170 सेवेंटी वेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पोर्ट ऑफ ग्वादर ठीक

ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अफगानिस्तान ठीक है अब स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें स्ट्रेटेजिकली इसका क्या रिलेवेंस है इंडिया नीड्स एक्सेस टू आयरन फ्रॉम अफगानिस्तान हजीगैक माइन एंड अदर नेचुरल रिसोर्सिस फ्रॉम द सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑफ कजाकिस्तान तुर्कमिस्तान उज्बेकिस्तान विच इज मेड पॉसिबल बाय चबहार पोर्ट अगर हम सेंट्रल एशियन रीजन की बात करें चबहार पोर्ट के कंटेक्सट में सेंट्रल एशियन रीजन का जिक्र कई बार हो चुका है एंड लेट्स नो अबाउट द सी इन द वेस्ट टू चाइना इन द ईस्ट अफगानिस्तान और ईरान इसके साउथ में है एंड रशिया इन द नॉर्थ ठीक है सेंट्रल एशियन रीजन कंप्राइज करता है किसको कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमिस्तान उज्बेकिस्तान इट इज ए डाइवर्स रीजन विद मिक्स ऑफ अपर मिडल लो मिडल विद मेजर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू देयर जियोग्राफिक लोकेशन एंड नेचुरल रिसोर्स एंड मेजर रिवर्स ऑफ द रीजन इंक्लूड कौन से रिवर्स हैं अमू दरिया सैयद दरिया इर्तिश हरी रिवर एंड मुर्गजाब रिवर मुर्गाब रिवर ठीक है दैट्स ऑल वी हैव इन टूडेज डिस्कशन थैंक्स फॉर वॉचिंग